दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि NS Education ने मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की वॉल्यूम 1 DVD लॉन्च कर दी है। दोस्तों, ये स्पेशल कोर्स बनाया गया है बिगनर्स लोग के लिए, यानी अगर आप हार्डवेयर का काम करते हैं, आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो ये DVD परचेस कर लें। इसमें आपको मिलेंगे 60 के ऊपर लेक्चर्स, जिसमें आपको सिखाया गया है स्टार्टिंग से यानी बेसिक से कि आप मोबाइल फ़ोन कैसे फ्लैशिंग कर सकते हैं और कौन से टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये DVD में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ये DVD परचेस कर रहे हैं तो उसमें आपको एक DVD एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी, जिसमें मिलेगा आपको सभी टूल्स और सभी ड्राइवर। अगर दोस्तों आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर मेमोरी TV में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से डोंगल हैं जो लाइफ टाइम है और उनको हर साल रिन्यूअल नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आप में से काफी व्यूअर्स फोन करते हैं, ये पूछते हैं कि ऐसे कौन कौन से डोंगल हैं जो लाइफ टाइम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से डोंगल आते हैं जो लाइफ टाइम है, जिन्हें हर साल रिन्यूअल नहीं करना पड़ता। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से डोंगल आते हैं जिनमें हर साल आपको रिन्यूअल करना होगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, ऐसे लिस्ट में ऐसे मैंने कुछ डोंगल्स के लिस्ट बनाए हैं कि जो आपको हर साल रिन्यूअल नहीं करना पड़ता। तो उसमें सबसे पहला आता है UMT या UMT Pro। दोस्तों, UMT आपको पता ही होगा, UMT लें या UMT Pro लें। दोस्तों, अगर आप UMT Pro लेते हैं तो एक ही डोंगल में आपको दो बॉक्स का सेटअप मिल जाता है, जैसे आपको UMT और एक पहले ओल्ड बॉक्स आता था जो कि चाइनीज मोबाइल फोन के लिए काफी अच्छा था, उसका नाम था एवेंजर बॉक्स। तो दोस्तों, अगर आप UMT Pro लेते हैं तो आप UMT भी यूज कर पाते हैं और एवेंजर भी यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें अगर रिन्यूअल की, तो ना UMT में आपको कोई साल का रिन्यूअल देना पड़ता है ना कि UMT Pro में। दोस्तों, अगर UMT Pro भी लेंगे तो भी आपको कोई साल में कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ता, यानी दोस्तों ये लाइफ टाइम है अभी तक। दोस्तों, आज 25 तारीख है, दोस्तों आज के टाइम तक अभी तक ये दोस्तों ये डोंगल लाइफ टाइम चल रहा है। हम आगे बात करते हैं NCK और NCK Pro के बारे में। तो दोस्तों, NCK जो डोंगल है उसमें तो आप सभी को पता होगा कि उसमें कोई रिन्यूअल नहीं है। दोस्तों, अभी NCK Pro आ चुका है मार्केट में, NCK Pro 2 जिसे हम बोलते हैं। तो NCK Pro में दोस्तों आपको दो सेटअप मिल जाता है, यानी दो बॉक्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसमें आपको मिलेगा NCK और UMT का कॉम्बिनेशन। यानी दोस्तों, एक ही डोंगल में आपको दो सेटअप मिल जाता है, दो बॉक्सेस के सेटअप आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप यूज कर सकते हैं NCK और दूसरा यूज कर सकते हैं UMT। जैसे आप UMT Pro यूज करते हैं वैसे ही आप NCK Pro को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, NCK ले या आप NCK Pro ले, इन दोनों में भी आपको कोई रिन्यूअल नहीं है। यानी दोस्तों, आप ये लेके आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है MRT डोंगल के बारे में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा MRT डोंगल आपको बूट अनलॉकिंग के लिए और अभी के जो ओप्पो और इसके हायर मॉडल्स हैं उसमें अगर आप बूट अनलॉक करके इसको फ्लैशिंग लेना चाहते हो तो उसको बेस्ट सपोर्ट दिया है ओप्पो और वीवो के लिए। तो दोस्तों, MRT डोंगल के लिए मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि MRT डोंगल में हर साल रिन्यूअल है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप MRT डोंगल परचेस करते हैं तो अभी तक इसमें भी कोई रिन्यूअल नहीं दिया गया है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सैमसंग के लिए। तो सैमसंग के लिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ZTX Pro बॉक्स आता है, जिसमें आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देना पड़ता। वैसे ही दोस्तों, काफी लोगों ने पूछा था कि जो सैमसंग ऑक्टोपस आता है उसमें कोई रिन्यूअल चार्जेस देना होता है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर आप सैमसंग ऑक्टोपस बॉक्स लेते हैं तो उसमें भी आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देना होता है।
इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर हम कोई FRP डूंगल की बात करें कि FRP डूंगल ऐसे कोई FRP डूंगल आते हैं जिनमें आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देने होते हैं, तो दोस्तों ऐसे भी डूंगल मिल जाएंगे। जैसे दोस्तों मेरे हिसाब से आप ऐसे डूंगल देख सकते हैं ऑक्टोपस FRP डूंगल में भी आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देना होता है और FRP के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप भी वो भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों FRP डोंगल ऑक्टोपस FRP डोंगल में भी आपको कोई रिन्यूअल नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों को और बहुत लोगों ने पूछा है कि UFI बॉक्स लेंगे तो उसमें कोई रिन्यूअल करना पड़ता है क्या, हर साल रिन्यूअल करना होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आप UFI कोई भी लें, चाहे वो इंडियन वर्जन हो चाहे इंटरनेशनल वर्जन हो, कोई उसमें रिचार्ज का ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी वो दोस्तों आप वन टाइम लेके आप उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था, कुछ लोगों ने मुझसे ये कमेंट किया था, ये मुझसे पूछे गए थे, काफी लोग पूछते हैं मुझसे कि कौन कौन से ऐसे डोंगल हैं जिन्हें हमें रिचार्ज करना पड़ता है पर ईयर, यानी पर ये हमें रिन्यूअल करना पड़ता है, और ऐसे कौन कौन से डोंगल हैं जिन्हें हमें रिन्यूअल नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको थोड़ा कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बताया है कि ये सब डोंगल हैं जिसमें आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था, बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाते रहूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से डूंगल हैं जिन्हें आपको हर साल रिचार्ज करना होता है, हर साल रिन्यूअल करना होता है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।